अगर आप शिक्षा विभाग से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं तो एक खबर आपको मिल चुकी होगी कि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी से बाहर कर दिया है। साथ ही एनसीटी के उस नोटिफिकेशन को भी रद्द कर दिया है जिसके आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल किया गया था। इनके वकील के द्वारा मीडिया में ये स्टेटमेंट दिया गया कि चूंकि एनसीटी का जो नोटिफिकेशन था उसके जारी होने के बाद से पूरे देश भर में लागू हुआ। अब माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने जब इसे रद्द किया है तो ये रद्द का नियम भी पूरे देश भर में लागू होगा और पूरे देश भर के बीएड अभ्यर्थी अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद से राजस्थान से अलग दूसरे राज्यों के जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे, जैसे कि क्या किसी पर्टिकुलर एक राज्य के माननीय हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला दूसरे राज्य पर लागू होता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात की जाए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड जो केस चल रहा था उसमें बीएड अभ्यर्थियों को भी चैलेंज किया गया था। चूंकि उसमें बीएड अभ्यर्थियों के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा और बीएड अभ्यर्थी चयनित होकर के अपना सैलरी भी ले रहे हैं, तो क्या आने वाली शिक्षक भर्ती में, प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार कर लिया है कि चूंकि उस भर्ती में उनको बीएड अभ्यर्थियों को पात्र माना था तो आने वाले भर्ती में भी पात्र माना जाएगा उस फैसले के आधार पर, या बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जा सकता है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर कुछ राहत बीएड अभ्यर्थियों को मिल सकता है, ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। यहां पर मैं विशेष तौर पर टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा कि यह वीडियो किसी को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है। इस वीडियो में जो कुछ भी मैं चीज़ें प्रस्तुत करूंगा वो पूरी तरीके से तार्किक और तथ्य पर आधारित होंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे आपके पहले प्रश्न पर कि क्या किसी पर्टिकुलर राज्य के द्वारा दिया गया फैसला अन्य राज्य पर लागू होगा। देखिए, अगर एनसीटी इसके संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी करती है और उस गजट को ही रद्द कर देती है तो फिर पूरे देश में लागू हो सकता है, लेकिन जब तक एनसीटी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी तब तक अन्य राज्य इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसको एक और उदाहरण से समझिए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पटना हाईकोर्ट के द्वारा NIO से डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए कहा गया था, उसके बाद से एनसीटी ने एक नोटिफिकेशन जारी करके पूरे देश भर में इनको मान्य किया था, तब जाकर के अन्य राज्य ने भी एनसीटी के उस नोटिफिकेशन के आधार पर NIOs डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया। कहने का मतलब कि अगर माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद से अगर एनसीटी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर देती है तो फिर पूरे देश भर के राज्य इसे मानने के लिए बाध्य होंगे। अब आते हैं आपके दूसरे मेन प्रश्न पर कि क्या माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थी चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन शायद उनको कुछ खास फायदा ना हो सके क्योंकि जो फैसला दिया जा रहा है वह एनसीटी जो रेगुलेटरी बॉडी है और जो प्रदेश सरकार अपना हलफनामा दे रही है उसके आधार पर दिया जा रहा है। अब मान लीजिए राजस्थान के बीएड अभ्यर्थी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं तो उनको खास लाभ इस वजह से नहीं होगा कि फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट एनसीटी के पक्ष को सुनेगी। एनसीटी स्पष्ट शब्दों में यह कह रही है कि राज्य सरकार का विषय है कि वह बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कराना चाहते हैं या नहीं, और राज्य सरकार सीधे तौर पर यह कह रही है कि हमारे पास बीएसटीसी अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त है और 2 वर्ष के अंदर जो 6 माह का ब्रिज कोर्स कराना है उससे संबंधित कोई एनसीटी अप्रूव्ड हमारे पास इंस्टीट्यूशंस भी नहीं है राजस्थान में। इस वजह से वह बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही प्राथमिक में शामिल रहने देना चाहते हैं, बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल करने के खिलाफ हैं। तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार और एनसीटी ये पक्ष रखेगी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी वही फैसला आएगा जो माननीय जोधपुर हाईकोर्ट से दिया गया है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया उसके बाद से उत्तर प्रदेश में बीएड अभ्यर्थी भी पूरे खौफ में हैं कि आने वाली शिक्षक भर्ती से कहीं उनको बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड जो मामला गया था उसमें बीएड अभ्यर्थियों को भी चैलेंज किया गया था। मामला ये था कि पहले बीएड अभ्यर्थियों को अलग किसी याचिका में चैलेंज किया गया था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों याचिकाओं को मर्ज कर दिया, जिसमें मेन याचिका उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स को माना और जो सब्सिडरी याचिका थी उसमें जो चैलेंज किया गया था एनसीटी के गजट को और बीएड अभ्यर्थियों को उनको माना। तो जो फैसला दिया गया वह सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स के संदर्भ में दिया गया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड की एलिजिबिलिटी पर कुछ भी फैसला देने से इनकार कर दिया था। क्यों किया था इसको आप ध्यान से समझिए। कोर्ट ऑर्डर की कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पूरे 111 पेज की कोर्ट ऑर्डर कॉपी थी माननीय सुप्रीम कोर्ट से, जिसके पेज नंबर 51 पर ये 87 नंबर पॉइंट मेंशन किया गया था, जिसे आप ध्यान से पढ़ें। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिक्स्ड बाय द एनसीटी फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट टीचर्स आर बाइंडिंग ऑन द रिक्रूटमेंट मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। द पार्टिसिपेशन ऑफ बीएड कैंडिडेट वाज नेवर चैलेंज्ड बिफोर द लर्न्ड रीट कोर्ट।
स्क्रीन पर आप साफ शब्दों में देख सकते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि द पार्टिसिपेशन ऑफ बीएड कैंडिडेट्स, मतलब कि इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों के सम्मिलित होने को वाज नेवर चैलेंज्ड बिफोर द लर्न रीड कोर्ट, मतलब कि कोर्ट में पहले चैलेंज नहीं किया गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि आपने एनसीटी के गजट को पहले चैलेंज नहीं किया और बीएड अभ्यर्थियों को पहले चैलेंज नहीं किया, इस वजह से हम इसके संदर्भ में कोई भी फैसला नहीं दे रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे बीएड योग्यता पर अब बहस करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एनसीटी ने बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या तो एनसीटी की अधिसूचना को ही चुनौती दें। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कहा था। उन्होंने बीएड के संदर्भ में कोई भी फैसला नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने डीएलएड अभ्यर्थियों के वकील को जरूर कहा था कि आप पहले अगर चैलेंज करते हैं बीएड को और एनसीटी के उस गजट को तो कुछ हो सकता था, लेकिन आपने चूंकि पहले चैलेंज नहीं किया इस वजह से हम इसके संदर्भ में कोई भी फैसला नहीं दे रहे हैं। तो उसी भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था, उस वर्डिक्ट को आने वाली शिक्षक भर्ती में आधार नहीं बनाया जा सकता बीएड अभ्यर्थियों के सुरक्षित करने के लिए। तो अगर उस भर्ती में बीएड अभ्यर्थी शामिल हैं और सैलरी ले रहे हैं, इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि आने वाली शिक्षक भर्ती में भी बीएड अभ्यर्थी सेफ है। अगर एनसीटी की कुछ गजट जारी कर देती है या फिर माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद से उत्तर प्रदेश में भी डीएलएड अभ्यर्थी इस मामले को फिर से माननीय कोर्ट में ले जाते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को अगर यहां पर लगाते हैं और माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के उस फैसले की ऑर्डर कॉपी को लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर बीएड अभ्यर्थियों के लिए खतरे की घंटी बज सकती है जिस प्रकार से वहां पर हो रहा है। इसके अलावा आरटीई एक्ट 2009 के धारा 23 के पॉइंट नंबर 2 में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आरटीई एक्ट को और इसके धारा नंबर 23 के पॉइंट नंबर 2 में यहां पर देखिए, शिक्षकों के नियुक्ति के लिए अर्हता और सेवा के अंतर्गत शर्तों के बारे में जिक्र किया गया है। जहां किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं हैं या उपधारा 1 के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हता रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, वहां केंद्रीय सरकार यदि वह आवश्यक समझे अधिसूचना द्वारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हता के लिए 5 वर्ष से अधिक की ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी। मतलब अगर किसी राज्य में डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या कम है तो अधिकतम 5 वर्ष के लिए, उससे पहले भी खत्म किया जा सकता है इस नियम को। अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देशित कर दे कि आप बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कर सकते हैं तो मौका मिल सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक बार ही राज्य सरकार कर सकती है। और अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो वर्ष 2012 की 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती के संदर्भ में बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था। तो अब अगर आने वाली शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है तो ये पूरी तरीके से आरटी एक्ट 2009 का उल्लंघन होगा। और अगर एनसीटी कोई नोटिफिकेशन जारी कर देती है माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद से, तो फिर बीएड अभ्यर्थियों के लिए वैसे ही खतरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं विशेष तौर पर टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा कि चूंकि अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो राज्य सरकार इस प्रकार का कोई भी फैसला अभी नहीं लेना चाहेगी। हाँ, अगर सरकार बदल जाती है अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में तो कुछ फैसला हो सकता है, क्योंकि आप राजस्थान में देखेंगे तो वहाँ की सरकार बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में खड़ी थी, इस वजह से वहाँ पर ऐसा फैसला आया। लेकिन बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे जो राज्य सरकार है वह बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में खड़ी है, इस वजह से ना तो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को कुछ खतरा हुआ और ना ही आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में कुछ खतरा होगा अगर सरकार के इस कार्यकाल में भर्ती आ जाती है। लेकिन अगर सरकार बदल गई और तब भर्ती आती है तो उस राज्य सरकार पर डिपेंड करेगा कि वह किसके पक्ष में खड़ी है। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।